अगले 10 मिनट में इस वीडियो की मदद से हम लोग कनाडा का पूरा ईस्ट कोस्ट कवर करने वाले हैं और फिर वहाँ की हर मेजर सिटी में जाके हम लोग खाना ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 30th सितंबर को यूके में और आज 1 महीने और 18 दिन के बाद हम लोग यहाँ सेंट जॉन्स में बैठे हुए हैं जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। गाइस, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट एंड ऑफ कनाडा। इसके बाद सिर्फ अटलांटिक ओशन है। इट इज सो ब्यूटीफुल, मैं बता नहीं सकती। पहले हफ्ते तो हम दोनों दो डिफरेंट जगह थे। अब यह टोरंटो में थी और मेरा ठिकाना था विनिपेग में बशारो मलिहा के यहाँ। विनिपेग तो घर ही है अपना, यहाँ खूब अच्छे से मालूम है कि क्या अच्छा मिलता है और क्या नहीं। बट फिलहाल इस ट्रिप में हम लोग 3 जगह गए थे तो उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग गए बारबेक्यू हट चिकन कढ़ाई और नान खाने, जिसका कॉस्ट वॉज अराउंड $40। काफी सारी और भी चीज मिलती है यहाँ पर बट कढ़ाई ही इनकी बेस्ट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस कढ़ाई में चिकन पकाया जाता है वही कढ़ाई सर्विंग बोल की तरह से भी काम करती है। अब लग रही है। ऑनेस्टली बारबेक्यू हट में कढ़ाई खाना इज लाइक गैम्बलिंग, क्योंकि आपको मालूम नहीं रहता कि किस दिन अच्छा खाना मिलेगा और किस दिन बस काम चला। Unfortunately, इस बार वाली कढ़ाई उतनी ग्रेट नहीं थी। Hopefully, अगली बार किस्मत अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ टोरंटो में मैं अपने दो दोस्त शरण और संतोषी के साथ एक मिशेलिन स्टार थाई रेस्टोरेंट गई जिसका नाम है पाई और ये डाउनटाउन टोरंटो में है। वहाँ पे आई हैड अ डिश नेम खाओसोई व्हिच हैड मीट चंक्स, ग्रेवी एंड थोड़ा सा धनिया एंड समथिंग लाइक सेव फॉर गार्निश। शरण की डिश का नाम था पैड ग्रा प्रो और संतोषी की डिश वीगन थी व्हिच वाज कॉल्ड गेंग मासामान। ये सारी डिशेस वर अंडर $25 ईच। सभी कुछ बहुत टेस्टी था। बेस्ट पार्ट ये था कि थाई खाना खाने के बाद मन अच्छे से भरता है और एकदम भी हैवी फीलिंग नहीं आती है। एंड में हम लोगों ने एक डेजर्ट भी ऑर्डर किया था जिसका नाम था कोकोनट सॉर्बे एंड इट वाज एक्सट्रीमली डिलीशियस। आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू ट्राई आउट दिस प्लेस इफ यू हैवंट डन इट येट। अगले दिन विनिपेग में हम लोग गए पीएफ चैंग्स डायनामाइट श्रिम्प ट्राई करने। डायनामाइट श्रिम्प यहाँ बड़ा सजा वजा के मार्टिनी ग्लास में सर्व किया जाता है, शायद इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। एक ग्लास भर श्रिम्प का कॉस्ट था $17। वैसे ये होता तो काफी लजीज है बट मलिहा को कुछ खास पसंद नहीं आया और उसका रीजन भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। बट फिलहाल चलते हैं अगले रेस्टोरेंट जिसका नाम है सिजलिंग ढाबा। यहाँ की स्पेशलिटी है इनकी नान। बताया गया है कि ये विनिपेग की सबसे मुलायम नान है ना? और यहाँ भी पूरा डिनर वाज अराउंड $50। नेक्स्ट प्लेस इज बाय इनविटेशन ओनली, क्योंकि ये घर है भाई बशारो मलिहा का। मेरे को याद नहीं कि इतनी अच्छी पनीर की सब्जी हम लास्ट कब खाए थे। अशर के आने के उपलक्ष में आज बना है पराठा पुलाव। थैंक यू सो मच मलिहा। अरे बनाए हम। अब घर पे इतना अच्छा खाना खाने की आदत है तो बाहर का ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना भाई। विनिपेग और टोरंटो के बाद हम लोग निकल गए थे मॉन्ट्रियल के लिए। मॉन्ट्रियल की शुरुआत हुई घर के खाने से। दिस इज फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन दैट मरियम एंड खलामी हैड मेड यस्टरडे, क्योंकि मरियम एंड खलामी। अगले दिन दोपहर में हम लोग बाहर घूम रहे थे तो हम लोग को एक रेस्टोरेंट नजर आया। वी सॉ अ रेस्टोरेंट इन मक्का एंड अपेरेंटली द रिव्यूज आर रियली नाइस। इट्स 4.8 आउट ऑफ 5। यहां हमने मंगवाया चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई और अफगानी नान। चिकन कढ़ाई एवरेज थी खाने में बट नान और बिरयानी वर सरप्राइजिंगली वेरी टेस्टी। हमें रायता भी मिला था बिरयानी के साथ व्हिच वाज अगेन वेरी गुड। पूरी लंच का कॉस्ट आया अप्रोक्सीमेटली $30। अगले दिन हम लोग गए मॉन्ट्रियल के लोकल रेस्टोरेंट जिसका नाम था शिवेटोस। ऐसा सुनने में हम लोग को मिला कि क्यूबेक मॉन्ट्रियल का सबसे फेमस खाना है पुटीन, तो हमने एक वेजी पुटीन ऑर्डर कर दिया व्हिच इज बेसिकली फ्रेंच फ्राइज जिसके ऊपर चीज और ग्रेवी होती है। इसके साथ हम लोग ने एक बर्गर का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया था। ओवरऑल अच्छा ही था खाना एंड टोटल वाज अगेन अराउंड $30। मॉन्ट्रियल के बाद हम लोग निकल गए थे क्यूबेक सिटी के लिए और पहुंचते साथ ही हमने एक बाल्टी भर के मसल्स ऑर्डर कर लिए थे। मसल्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो प्लीज कॉमेंट करके बता दीजिए। क्रीमी सॉस के साथ इसको सर्व किया जाता है एंड इसको खाने के लिए ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है। वैसे टेस्ट में इट इज क्वाइट सिमिलर टू फिश बट ये थोड़ा सा च्यूई था। इसके साथ हम लोगों ने एक ऑर्डर फिश एंड चिप्स का भी मंगवाया था और इन सब का टोटल कॉस्ट वाज अराउंड $40। नेक्स्ट हम लोगों को कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था तो वहीं रोड पे चलते चलते हम लोग को एक रेस्टोरेंट का बोर्ड नजर आ गया। क्रेम ब्रुले वाज ओनली फॉर $10 एंड ये बेसिकली बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक कस्टर्ड है जिसके ऊपर एक क्रिस्टलाइज्ड चीनी की चादर होती है। बहुत ही लाजवाब था ये डेजर्ट और अगर आपको कहीं मौका मिले तो जरूर ट्राई कीजिए। अब यार देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट
डिनर करने के लिए हम लोग एक ईरानी रेस्टोरेंट गए थे जिसका नाम था शिराज। यहाँ हम लोगों ने मंगवाया था कोबीदे कबाब, विच इज बेसिकली राइस विद टू स्क्यूअर्स ऑफ मीट, एंड उसके साथ वी हैड पोलो विद शैंक, विच इज बेसिकली राइस एंड अ बिग पीस ऑफ लैम्ब। इसके साथ हम लोगों ने ईरानी चाय भी ऑर्डर की थी और ये सब कुछ मिला के $50 का बिल आया था। ईरानी खाना थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया था। अगले दिन सुबह में हमने खूब सारे एग बर्गर्स खाए मैकडॉनल्ड से, क्योंकि एक से तो मेरा पेट भरता नहीं, और बर्गर्स के साथ अभी गॉट अ बिग कप ऑफ कॉफी। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों यही हो गया हम लोग का, बट रात में डिनर के लिए हम लोग शिराज चले गए। दिस टाइम वी ऑर्डर चिकन पोलो एंड गोरमे सब्जी। भूख लगी हुई थी तो सब कुछ खा गए, लेकिन ऑनेस्टली ये वाली दोनों डिश उतनी कुछ खास नहीं थी। एंड में हम लोगों ने आइसक्रीम ऑर्डर की, विच वॉज माइंड ब्लोइंग। प्रॉपर कुल्फी का टेस्ट आ रहा था उसको खाने में, एंड ऊपर से कुछ पिस्ता विस्ता डाला हुआ था जिससे टेस्ट और बढ़ गया था। अ मस्ट ईट एट एनी ईरानियन रेस्टोरेंट। इस डिनर का भी बिल वाज अराउंड $50। क्यूबेक से नेक्स्ट हम लोग गए हैलिफैक्स नोवा स्कॉशिया, और एयरबीएनबी जाने से पहले वी वेंट स्ट्रेट अप टू द रेस्टोरेंट टू ईट। सारा सामान वामान हम लोग लेके पहुंचे तो पता चला कि तवा ग्रिल में टेबल सिर्फ रिजर्वेशन से मिलता है, सो वी हैड नो ऑप्शन बट टू ऑर्डर अ टेक आउट। हमने पनीर कढ़ाई ऑर्डर की थी गार्लिक और बटर नान के साथ, और उसके साथ एक कप मसाला चाय। तवा ग्रिल काफी फेमस रेस्टोरेंट है हैलिफैक्स का, एंड राइटली सो, क्योंकि खाना काफी टेस्टी था। पूरे डिनर का कॉस्ट आया अराउंड $30। अगले दिन हम लोग गए हैलिफैक्स का नेशनल खाना खाने, विच सरप्राइजिंगली साउंड्स वेरी मिडिल ईस्टर्न, किंग ऑफ डोनेर। लंबी लंबी बोनलेस मीट स्ट्रिप्स, उसी को डोनेर कहते हैं। हमने दो रैप्स ऑर्डर किए, एक मीडियम और एक स्मॉल, एंड टोटल कॉस्ट वॉज अराउंड $20। रैप के अंदर मीट के अलावा देयर वाज प्याज एंड टमाटर और एक स्वीट सॉस भी था। पहले तो हम लोग को लगा कि हम लोग खाना पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे, बट वी वर एबल टू फिनिश बोथ रैप्स कंफर्टेबली। हैलिफैक्स के बाद हम लोग गए शार्लेट टाउन, व्हिच इज इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। पहले दिन वी वेंट टू द स्पाइसी शेफ रेस्टोरेंट, जहां वी ऑर्डर्ड चिकन नूडल्स एंड चिकन मोमोज। हमने एक ही प्लेट नूडल्स ऑर्डर किया था और वो हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा हो गया था। इनफैक्ट कोई तीसरा आदमी भी होता तो शायद तब भी कम नहीं पड़ता। काफी ज्यादा क्वांटिटी थी एंड टेस्ट भी ठीक ठाक था। मोमोज भी बुरे नहीं थे, बट उसके ऊपर एक थोड़ा सा ड्राई हो गया था लेयर, विच वॉज नॉट वेरी कन्वीनियंट टू ईट। टोटल खाने का कॉस्ट वाज अराउंड $40। नेक्स्ट हम लोग गए काउस क्रीमरी आइसक्रीम खाने, विच इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट आइसक्रीम। हमने आइसक्रीम तो यहाँ पे खा ली, बट बाद में पता चला कि इनकी आइसक्रीम में थोड़ा सा अल्कोहल होता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो कुछ फर्मेंटेशन वगैरह कुछ होता होगा जिससे थोड़ा सा अल्कोहल अपने आप बन जाता है। हम लोग दोबारा तो यहाँ नहीं खाने वाले, बट आइसक्रीम के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसका कॉस्ट था $60। शार्लेट टाउन के बाद हम लोग गए सेंट जॉन्स, व्हिच इज इन न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। यहाँ पे मेरी ब्राउन्स की काफी सारी लोकेशंस हैं, जिसमें हम लोग डाउनटाउन वाली लोकेशन में गए थे, एंड वी ऑर्डर्ड चिकन सैंडविचेस विद स्पाइसी पोटैटो वेजेस। सैंडविचेस का टेस्ट सही था, पर इट वाजंट एज गुड एज पॉपॉयज, एंड इसका टोटल कॉस्ट वाज अराउंड $30। डिनर के लिए उन्होंने सर्च करके निकाला था एक रेस्टोरेंट, इंडियन क्यूजीन एंड पिज्जा हाउस। हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा खाना होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट आने से पहले हमने रेटिंग्स चेक की थी, विच वर नॉट ग्रेट, तो ऑब्वियसली वी वर स्केप्टिकल, बट जब खाना खाया तो मजा ही आ गया। ठीक है, सही में। टोटल डिनर का कॉस्ट वाज अंडर $35। अगले दिन हमने दिन की शुरुआत की टिम हॉर्टन से। हेलो। कैफे के अंदर जाने का मन नहीं था तो हमने ड्राइव थ्रू से ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था। होता नहीं इसमें अंडा चीज और हैश ब्राउन। लंच के लिए हम लोग गए ओलिवर नाम के एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ हमने ट्राई की मछली की जबान। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, बट इट वाज सरप्राइजिंगली नाइस। जबान खाने कॉड एक बड़ी सी मछली है, और उसकी टंग को ये छोटे छोटे पीसेस में काट के बैटर में लपेट के फ्राई करते हैं, और फिर फ्राइज के साथ इन्हें सर्व किया जाता है। लग रहा कि अपनी जबान काट रहे हैं। फिर फाइनली डिनर के लिए हम लोग गए A&W, एंड वहाँ पे वी ऑर्डर अनियन रिंग्स विद बियॉन्ड मीट बर्गर्स, विच इज बेसिकली अ वेज बर्गर। कहने के लिए तो ये वेज बर्गर है, बट इट टेस्ट टोटली लाइक मीट। सेंट जॉन्स ईस्ट कोस्ट का लास्ट स्टॉप था, बट हमारी ट्रिप अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। हम लोग वेस्ट कोस्ट भी जाने वाले हैं वेरी वेरी सून। और ये ट्रिप सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है, और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग हुआ था इन ट्रिप्स पे, लेकिन हम ये आपके साथ शेयर करेंगे अगले मंडे से, विच इज नवम्बर 21।
अगर मेरी तरह आपको भी वीडियो देख के भूख लग गई है तो यहाँ अभिया के चेहरे के ऊपर अभी एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें हम लोगों ने बिरयानी बनाते हुए दिखाया है। दिस इज द इजीएस्ट, दुनिया का सबसे आसान तरीका ये बिरयानी बनाने का। तो देखिए वीडियो, बना लीजिए और खा लीजिए। हम लोग ऐसे नीचे बैठ के बात कर रहे थे कोई और जगह है नहीं, एकदम बाहर बारिश हो रही है।